A constant force act on an object of 5 kg for the duration of 2 seconds. It increased the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Increase. यानी अगर 5 किलो ऑब्जेक्ट पे 5 केजी ऑब्जेक्ट पे 2 सेकंड तक फोर्स लगाया जा रहा है लगातार, तो उसकी जो वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो जा रही है ना। तो कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी उस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है वो वैल्यू बताना है। नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स, वॉट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जहाँ पे 2 सेकेंड तक फोर्स लगाया जा रहा था, तो 3 से क्या हो गया, 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आपको ये बताना है कि अगर उस पर 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड तक लगातार फोर्स लगाया जाए, तब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो जो क्वेश्चन का गिवन आता है वो देख लेते हैं, क्या कुछ बोल रहा है, नहीं समझ में आएगा आपको बोल देना, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ 5 के जी, तो मास कितना है जी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 5 के जी, और टाइम कितना है, टाइम ड्यूरेशन मतलब जितना सेकंड लग रहा है काम उस पर फोर्स लग रहा है उसका कितना, टाइम ड्यूरेशन कितना है 2 सेकंड्स। तो उस केस में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो जा रही है ना, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को भी, यानी कितना 7 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो मालूम है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, बट हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी का वैल्यू कितना है 7, और यू का वैल्यू 3 बाई, और टाइम कितना है 2। तो ये कितना हो जाएगा 4/2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट यही होता है, तो इसलिए एक्ट फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए, यानी मास कितना 5 के जी, और ए 2, यानी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है 10 न्यूटन। ये पहला का आंसर हो गया। आगे क्या कह रहा है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन 5 सेकेंड। अब क्या रहा है, फोर्स जो हो रहा है ड्यूरेशन 5 सेकेंड के लिए अप्लाई हो रहा है, तो टाइम कितना हो जा रहा है 5 सेकेंड्स तक। तो अगर 5 सेकेंड तक लगातार फोर्स लगाया जाएगा, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। इन टाइम दिया गया है, भी पूछा जा रहा है, यानी 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक्सेलरेशन मालूम है, ठीक है ना, यू भी तो पता है, यू कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब u पता है, t मालूम है, a भी पता है, a कितना आया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, t u v और a का रिलेशन कौन बताता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी यही पूछा जा रहा है, तो u लेंगे 3 और प्लस a की जगह पे 2, टाइम की जगह पे 5, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 10 यानी 13 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये है कि पाँच अगर 2 सेकेंड तक फोर्स लगाया गया, तो 3 से 7 मीटर पर सेकेंड हो गया उसका स्पीड। अब 5 सेकेंड तक लगातार फोर्स लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 से, अब उसका स्पीड कितना हो जाएगा 5 सेकेंड बाद 13 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, विच वुड रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, मतलब किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, एस्केलरेटिंग 2 के जी मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 किलो ऑब्जेक्ट पे 5 मीटर पर सेकेंड का उसका एस्केलरेशन लग रहा है, और 4 के जी वाले ऑब्जेक्ट पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, ग्रेटर फोर्स। तो ग्रेटर फोर्स यानी एफ
इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। तो फर्स्ट केस के लिए 2 kg जो मास है, यानी एम वन मान लेते हैं 2 kg, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 5 m/s2। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है एम टू कितना है 4 kg, और एक्सेलरेशन है ए टू मान लो 2 m/s2। तो इस हिसाब से इसका अगर हम एफ वन निकालेंगे तो एफ वन कितना हो जाएगा m1a1 यानी 2 × 5 यानी 10 kg/s2। अब हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम न्यूटन लिख देंगे 10 न्यूटन। इसका अगर निकालेंगे एफ टू तो वो कितना हो जाएगा 4 × 2 यानी 4 × 2 यानी 8 न्यूटन। तो कौन ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, जो ऑब्जेक्ट 2 kg का है और एक्सेलरेशन उसमें कितना हो रहा 5 m/s वाला यानी एफ वन, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है मोटर कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर टेक्स 4 seconds स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी ब्रेक जब लगाया जा रहा है तो 4 सेकेंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जा रही है 0 के रुक जा रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 108 किलोमीटर पर आवर। ये सेकेंड्स में किलोमीटर पर आवर में तो बेहतर होगा ना, इसको चेंज कर दो किस में मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, बिल्कुल सही 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार, यानी उस फोर्स का वैल्यू बताइए जो ब्रेक पे लगाया गया। इफ इट्स मार्च अलोंग विद द पैसेंजर विद पैसेंजर्स इज 100 kg, यानी मोटर कार में पैसेंजर्स को लेकर उसका वजन कितना है मोटर कार का 1000 किलो, ठीक है ना। तो मोटर कार का मास दिया गया है ना कितना 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी यानी यू दिया गया कितना 108 किलोमीटर पर आवर। बेहतर होगा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 18 6 और 6 5 30 m/s हो जाएगा, होगा ना यू हो गया। भी क्या हो जाएगा अब 4 सेकंड बाद रुक जा रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। टाइम कितना होगा 4 सेकंड्स। तो आपसे क्या पूछ रहा है एफ का वैल्यू, एफ इजक्वल टू एम ए, फिर हमें ए नहीं मालूम है, ए मालूम होने के लिए यू और भी दोनों मालूम होना चाहिए, और टाइम भी तो यू और भी मालूम है ना। चलिए देखते हैं, तो ए इजक्वल टू कितना होता है भी माइनस यू बाई टी, भी कितना है जीरो, यू कितना है 30 और बाई 4, यानी कितना हो जाएगा माइनस 30/4 करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, सर 7.5 होगा, कितना हो जाएगा 7.5 m/s। इसका पर माइनस साइन पता है क्या बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, यानी स्पीड एक्सेलरेशन होता है तो इसका मतलब कि पर सेकंड क्या होता है उसका स्पीड बढ़ता है, लेकिन रिटार्डेशन में पर सेकंड इसका स्पीड क्या हो रहा है 7.5 m/s के अनुसार घट रहा है, यानी माइनस साइन यही बता रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। तो इस केस में अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एम ए, एम कितना 1000 और ए कितना माइनस 7.5, ये कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, तो माइनस में लेकिन लग रहा है, यानी फोर्स क्या हो रहा है निगेटिव डायरेक्शन में लगाया जा रहा है ना जी, साइन ये बताता है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 7500 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन हो गया ना, सेकंड नहीं थर्ड क्वेश्चन था ये, फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg अंडरगोज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4 m/s इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो बहुत आसान है, एफ इज टू डायरेक्ट क्या कर देंगे एम ए कर देंगे, बट यहाँ पे कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो हो रही है 4 m/s से इन 4 सेकेंड, व्हाट विल द फोर्स एक्टिंग ऑन, चेंज द वेलोसिटी ऑफ 4 m/s इन 4 सेकेंड्स।
यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में। तो आप उस फोर्स का वैल्यू बताइए, तो यू यहाँ पे जीरो में लिया जाएगा, वी इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से पहले ए निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, वी माइनस यू बाई टी, तो वी कितना, 4 माइनस 0 बाई 4, यानी कितना हो जाएगा 4 बाई 4, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन कहाँ से आ जाएगा, न्यूटन आंसर होगा, एक्सेलरेशन है तो न्यूटन कैसे हो जाएगा। फोर्स निकालेंगे तब ना, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास कितना 1 kg और एक्सेलरेशन 1, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 2 हो जाएगा 1। अच्छा समझदार हो गया, 1 न्यूटन फोर्स लगेगा, है ना जी, आ गया समझ में, आया था आंसर तुम्हारा भी याद है, चलो बढ़िया। 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, ए ड्राइवर एक्सेलरेट हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, एक ड्राइवर जो है कार को एक्सेलरेट कर रहा है 4 मीटर, यानी ए का वैल्यू दिया गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एंड देन द रेट ऑफ, पहले एक्सेलरेट कर इतना, फिर ए1 इतना है और ए2 कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कुछ समय बाद वो 8 मीटर पर सेकेंड के इसमें सर, तो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंजन, तो एक ही इंजन है ना, तो इंजन का वेट मान लेते हैं कितना, इंजन को मान लेते हैं हम एम के जी, तो जब ये एस्केलेशन लगा रहा तब ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, F1 = ma करेंगे, मास तो वही है एम, और ए की जगह पे क्या रखेंगे इंटू 4 न्यूटन कर देते हैं, और F2 कितना हो जाएगा, मास तो वही है, वही इंजन है, एस्केलेशन बस चेंज हो रहा है, तो 8 न्यूटन। अब दोनों का रेशियो बताना, तो F1 / F2 करेंगे, F1 कितना 4m और F2 कितना 8m, काटेंगे m से m कैंसिल, 4 × 1 = 2, 4 × 4 = 8, यानी क्या हो जाएगा 1/2, यानी क्या आंसर आएगा 1:2, 2 आंसर आ गया समझ में।